Hello everyone, praise the Lord. Very good morning, and I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमी के पुस्तक तीसरा अध्याय उसमें 19 वचन को ध्यान करने वाले और यह वचन ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का मुंह बंद हो जाए और परमेश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाए। इस वचन में सेंट पॉल यह कहते हैं कि प्रभु के न्याय के बारे में हर एक मनुष्य अपनी दृष्टि में बोलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अन्याय है, भगवान ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ। इसलिए पॉल कह रहा है कि प्रभु ऐसा न्याय करेगा कि सारा संसार अपने मुंह बंद कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रभु का न्याय में अन्याय नहीं होगा, वे सभी मनुष्यों को एक समान न्याय करेगा। जो व्यवस्था का पालन करते हैं उन लोगों का न्याय व्यवस्था के अनुसार ही करेगा, क्योंकि वे उस पर अधीन हैं। यह व्यवस्था सिर्फ उन पर है जो उसका पालन करते हैं। कुछ लोग दुनिया में यीशु को नहीं जानते और हम उन लोगों को भी व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं कर सकते। पहले वे यीशु के बच्चे बनने हैं, फिर उनके वचन के अनुसार जीवन बिताना है। पहले ही वे कुछ नहीं कर सकता, पर हम सभी यीशु को जानते हैं, इसलिए उनकी वचन के अनुसार जीना बहुत आवश्यक है। प्रभु का न्याय कभी अन्याय नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रही कि प्रभु का न्याय अन्याय नहीं होगा। प्रभु हमारी कार्य के अनुसार हमें न्याय करेगा। इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे।